और अखबारों में बात करके सिर्फ गलतफहमी पैदा करने का कारोबार मत करिए। एंड तहसीन पूनावाला अमेश जी, मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि एनसीपी का अपना ही छवि काफी खराब है। वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भी अपने सर लेकर घूमना चाहते हैं, क्योंकि कई पैनल्स पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आते हैं, एनसीपी के प्रवक्ता आकर के कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, उनके भ्रष्टाचार को। ये वाकई बहुत अभूतपूर्व अलायंस है। और जहां तक इस केस का सवाल है, इसमें जो एयरसेल मैक्सिस डील को जानबूझकर डिले कर दिया गया उस समय जब वो चिदंबरम मंत्री थे, केंद्र मंत्री थे, और एफआईपीबी अप्रूवल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनको इसमें से एक पैसा लेना था, उसमें से पैसा बनाना था, वो पैसा बनाया एडवांटेज स्ट्रैटेजिक। अब तक उनकी डिफेंस ये रही है चिदंबरम साहब की और उनके बेटे की कि इस कंपनी से हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है। बट लेकिन जो एविडेंस अभी अवेलेबल है, वो जो डमी डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में, उनका कोई हिस्सा नहीं है। और जितना पैसा एडवांटेज स्ट्रैटेजिक में इस डील के माध्यम से आया, उतने ही पैसे को कार्ति चिदंबरम ने इन्वेस्ट किया बाहर की कई प्रॉपर्टीज खरीदने में। तो ये सारा एविडेंस अवेलेबल है। ये जो डमी डायरेक्टर्स हैं, उनकी एक्चुअल ओनरशिप कार्ति चिदंबरम की है, ये भी दस्तावेज के द्वारा उनके पास सबूत मिल गया है। ये केस तो फाइनली इसको कोर्ट में निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन इतनी ब्लैक एंड व्हाइट में ये भ्रष्टाचार है, इसको प्रूव करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। व्हाई नॉट ईडी रजिस्टरिंग अ केस अगेंस्ट चिदंबरम और कार्ति? यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर प्रोपेगेंडा। ये सब चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन देश के बाहर की एजेंसियों से भी कोऑपरेशन मांगा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने बाहर किए, जब ये सिद्ध हो जाएंगे जी इनकी क्या हालत होगी, आप आज शायद इसका नतीजा, इसका शायद आप इसका अंदाज नहीं लगा पा रहे। लेकिन मैं मानता हूं आपके विषय, फाइनली इसको कोर्ट के सामने भ्रष्टाचार को करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? तभी जाकर के मुकदमा दर्ज कीजिए ना, केस रजिस्टर कीजिए ना रणसीमा जी, प्रचार करके लोगों को कहीं ना कहीं बदनाम करने का कार्यक्रम बंद करिए। पुष्पेश पंत से मैं कमेंट लेता हूं, गुनेगार है तो। ओके पुष्पेश पंत साहब, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अमीश भाई, दो बातें बिल्कुल साफ है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, फिर आपसे रिएक्शन दीजिए सर। 2006 से 2014 के दौरान कार्ति चिदंबरम की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई। इन 8 सालों के दौरान पी चिदंबरम जो थे वो वित्त मंत्री थे या तो गृह मंत्री थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्ति की कंपनी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी बनाई, फुल इनोवेशंस के नाम से। इस कंपनी में 4,00,000 सिंगापुर डॉलर्स का निवेश किया। एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में की जेबन ट्रेडिंग लिमिटेड के साथ भी ट्रांजेक्शन किया। स्विट्जरलैंड में भी कंपनी के ऑफिस है। उसके अलावा कुल मिलाकर अगर बिजनेस नेटवर्क की बात करें तो दुनिया के 14 देशों में निवेश किया गया है, जिसमें लंदन, दुबई, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका भी शामिल है। इसके अलावा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, फ्रांस, अमेरिका में निवेश है। स्विट्जरलैंड, ग्रीस और स्पेन में बिजनेस नेटवर्क है। कार्तिक के ज्यादातर ट्रांजेक्शन एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर के जरिए किए जाते हैं। इन ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टी की खरीदारी और अधिग्रहण भी शामिल है। मेनली बिजनेस जो बढ़ा वो 2006 से 2014 के दौरान बढ़ा। ये वही टाइम था जिसमें मंत्री थे। और मैं बार बार इस बात को डॉक्टर पंत इसलिए रिपीट कर रहा हूं, दैट वॉज अ की टाइम व्हेन द बिजनेस वॉज डन एंड व्हेन बिजनेस वॉज रियली वेल। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी खबर पढ़ रहे हैं ना अमित जी आप? नहीं देखिए, जो बात तहसीन पूनावाला ने कही, मुझे उसमें बहुत ज्यादा दम लगता है
जितने भी आक्षेप कार्ति पर या पीसी चिदंबरम पर लग रहे हैं, इस तरह के आरोप एक जमाने में वीपी सिंह के सुपुत्र पर संतोष भारती यहां बैठे हुए हैं। पूरा सेंट किट्स का मामला कैसे खड़ा हुआ और कैसे वो ताश का महल ढा, वो भी इस देश ने देखा है। मुझे लगता है सिर्फ संयोग मात्र के आधार पर कि पिता उस समय वित्त मंत्री थे और बेटे की कमाई बढ़ रही थी। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे मन में कुछ दुर्भावनाएं विपक्ष का भाव हो सकता है चिदंबरम के प्रति, मगर मुझे लगता है कि जो तहसीन पूनावाला कहते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सरकार के पास कोई भी साक्ष्य या प्रमाण है तो तत्काल कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। मगर साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, तहसीन भाई और नवाब मलिक दोनों बहुत तर्कसंगत बात कह रहे हैं, मगर ये मामला सिर्फ कानूनी गैर कानूनी का नहीं है, राजनीति का एक पक्ष नैतिकता का होता है। और जो बात तहसीन पूनावाला भाई कह रहे थे उससे मैं सहमत हूं कि वो जो कह रहे थे कि मैंने बहुत सारी बातें कही मगर आज के प्रसंग पर कुछ नहीं कहा। एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस होती है, कई ऐसे साक्ष्य होते हैं कि हर बार संयोग नहीं होता है। यदि बार बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगते हो तो शायद उस व्यक्ति को जो राजनीति में सक्रिय है अपनी नैतिकता के बारे में अधिक जवाबदेह होना चाहिए बनस्पत कानूनी और गैर कानूनी का। मैं ये भी मानने को स्वीकार हूं कि जो कुछ कार्ति ने किया है उसमें कहीं भी गैर कानूनी वृत्ति भर नहीं है, मगर जो उन्होंने किया है, जो उनका व्यापार जिस तरह पनपा और फैला है, यही बात कुछ समय पहले रॉबर्ट वड्रा के बारे में कही जा सकती थी। बिल्कुल ठीक है, उन्हें पूरा अधिकार है अपनी संपत्ति का घाटा उठाने का, अधिकार है का। मगर जो खबर जब अखबार में छपती है तो उसको शायद उस खबर को इस देश की जनता को तरह तरह की अफवाहें सुनने का भी अधिकार है और अपनी अपने मन में तय करने का अधिकार है कि यही चिदम्बरम साहब जो कभी मुफ्तार के साथ चले गए थे, बड़े नेता हैं कांग्रेस के मगर जनाधार विहीन नेता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं कि सारे कांग्रेसी उनसे खुश है। मनीमन शायद कुछ लोग बड़े प्रसन्न भी होंगे, अदालत फैसला करेगी, कांग्रेस ने तो लगता है किनारा करा है इस डिबेट से सकते कानून का, उसका फैसला अदालत के पास होगा। मगर जो नैतिकता वाला सवाल है, जो प्रॉपर्टी का सवाल है, उसको पूछने का अधिकार चंदन मित्रा को भी है, भाजपा के अखबार को भी है। और शायद ये सवाल उठाना बिल्कुल बेबुनियाद है कि बाकी अखबारों के पास वो क्यों नहीं गए, क्योंकि आम आदमी जानता है ना हिंदू से छापता, ना टेलीग्राफ से छापता, ना एक्सप्रेस से छापता, ना हिंदुस्तान टाइम्स छापता।